सो गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो काफी टाइम बाद हम जा रहे हैं अभी एक छोटे से वाटर फॉल में, सो जो कि हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है और हमारा लोकेशन है रबाले नवी मुंबई, जिस जगह का यस वो घनसोली के अंडर में आता है, बट वो हमारे जस्ट नियर है विद इन 15 मिनट्स। सो आज हम जा रहे हैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ, सो आपको मिलते हैं अभी कुछ देर में आगे। उस जगह का नाम है गौली देव वाटरफॉल। सो ये कुछ इतना बेटर नहीं है बट काफ़ी अच्छा है इंजॉय करने के लिए, आप जाके चिल आउट कर सकते हो। सो अगेन दिस इज आरजीआर शैडो रोहित राज विथ यू इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग एंड कीप कनेक्ट विथ मी। और हाँ सॉरी सो दिस इज माई एडिटर साहब पंकज। सो पंकज को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर बींग विथ मी ऑलवेज। यस, और काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए, सो यही है जो मेरे वीडियो को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा। और आगे भी आने वाले बहुत सारे ब्लॉग, प्रैक्टिस चल रही है, मतलब ट्रेनिंग टाइप ही समझो अभी, फोटोशूट ये सब के बारे में। वी आर जस्ट लर्निंग एंड डूइंग ऑल्सो। सो अब मिलते हैं, काफी ज्यादा धूप है आप देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे का छोटा सा नजारा दिखाना चाहता हूँ गाइस। तो ये है हमारा रबाले MIDC का एंट्रेंस, जो यहाँ से भूषण होटल के यहाँ पे से एंट्री करते हैं, देन हम आगे के लिए पूरा होल जो MIDC है यहाँ से वो वे। पंकज आप कुछ कहना चाहोगे इस वीडियो में? आज मजा आने वाला, बहुत टाइम बाद जाने को मिला। यस एंड आई प्लान की कुछ रील्स बना जाएगा साथ में। यस एंड वन अनदर फ्रेंड इज कमिंग, हिज नेम इज नितिन बिज, वो हमारे बॉडी बिल्डर है, मैंने उनको एज अ बॉडी गार्ड रखा हूँ, तो उनके साथ मेरा आज कुछ प्लान है रील्स बनाने का, तो लेट्स सी कि गोइंग फॉरवर्ड कैसा होता है। सो विल सी यू ऑन दिस ब्लॉग, टिल देन कनेक्ट विथ मी गाइज। यस, तो मैं आपको यहाँ पे का नजारा दिखाना चाहता हूँ, तो ये देख सकते हो आप, ये है रबाले MIDC। और क्या बोलते दादा, कैसे हो? बढ़िया। सो जो बॉडी बिल्डर को मैंने काम पे रखा हो एज अ बॉडी बिल्डर, आप देख सकते हो यही है वो, नितिन बेस्ट इन द हाउस। ये परे, सो ये है नितिन बेस्ट, और हम जा रहे अब अपना रील्स बनाने, वीडियो शूट करने, वीडियो क्या बोलते वाला बार बार इस ना। ओ मलाइका मैम, तो ये हम चल चुके हैं। डरने की जरूरत नहीं है, बॉडी गार्ड पाले हम लोग। दिस इज रबाले MIDC, यू कैन सी हियर सिग्मा IT पार्क। सो यस एवरीवन, आप देख सकते हो आप, ये जो सामने पॉइंट दिख रहा है आपको, इसके पास में हमें जाना है, सो बस कुछ ही देर में विद इन 2 मिनट्स वी विल रीच देयर। सो टिल देन आप वेट कर सकते हो और इस अच्छे से नजारे को एंजॉय कर सकते हो। जल्दी वहां से हटो, जल्दी वहां से हटो। अभी हम डायरेक्टली आपको मिलेंगे, बस हम पहुंच गए गाइस, ज्यादा दूर नहीं है, तो मिलते हैं डायरेक्टली आपको उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। चार कप लेफ्ट आ गया है और ये हम लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। दिस इज गौली। अरे भाई साहब, यहाँ पे तो पुलिस लोग आके लॉक लगा के सब बैठे हैं, अभी हम शूट भी नहीं कर सकते कुछ भी, गजब बेइज्जती है। अभी हमारा पचका हो गया है, आप देख सकते हो जो पीछे गया यही पॉइंट था वो, यहाँ पे ऑलरेडी जो पुलिस लोग हैं यहाँ पे लॉक करके बैठे, वहाँ पे अलर्ट नहीं है हमें जाना। सो हम अभी अपना सड़ा हुआ चेहरा लेके कहीं और जा रहे देखते। सो गाइस अभी मैंने अपना लोकेशन चेंज कर दिया, मेरे पास में जो 10 मिनट्स की दूरी पे है वहाँ पर हम लोग लोकल हिल पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे की सारी चीजें दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सो फाइनली हमें जहाँ जाना था वहाँ हम पहुँच गए। सो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, हम वहाँ पे ऊपर जाने वाले गाइस, यहाँ पे से ऊपर स्टेयर्स है, तो लेट्स सी। वाओ कितना मस्त लग रही है, और यहाँ पे छोटा सा गार्डन है और ये इसका एंट्रेंस आप देख सकते हो, यहाँ से हम ऐसे जाना है ऊपर, बस अब यहाँ पे हमें उतरना है गाइस।
सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं और काफी स्ट्रगल के बाद जहाँ पे इससे पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था वो गवली देव करके, वहाँ पे तो ऑलरेडी पुलिस लोग गेट को लॉक लगा के खड़े थे और हमें वहाँ जाने को नहीं मिला। सो फिलहाल के लिए अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे रबा लेकर जो मेरे पास में विद इन 15 मिनट एक हिल स्टेशन है छोटा सा, सो वहाँ जाके मैं आपको कुछ चीज़ें हैं वहाँ पर दिखाऊंगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे के एवरी सीजन वाले व्लॉग्स बना के ऑलरेडी अपलोड किए, इफ यू गाइस इंटरेस्टेड टू वॉच माय प्रीवियस व्लॉग सो प्लीज डू चेक आउट माय चैनल आरजीएस शैडो। पंकज हमारा तो पोपट हो गया था आगे, बहुत बार आ चुके हैं इधर पे एग्जैक्टली बट हमारे लिए तो बस हमेशा नई प्लेस ही रहेगी, कितना भी घूमो yes. मजा आता है इधर। दिस इज माय वन ऑफ बेस्ट प्लेस, क्योंकि जब भी मैंने पहले भी ये ब्लॉग में बोला हूँ अभी भी बोलना चाहता हूँ, जब भी मैं एकदम थोड़ा ऐसे काफी ज्यादा स्ट्रेस या डिप्रेस फील करता हूँ तो एक पॉइंट है यहाँ पे, मैं वहाँ पे जाके बैठता हूँ और अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करके वाइब फील होता है, मेरे को अच्छा लगता है काफी, तो वही मैं आपको वाइब लाइफ में देना चाहता हूँ। मजे सूट्या बना सूट्या बनाते हैं बोलते हैं और दिन में भी रात में भी। और एक चीज रोहित भाई बताएंगे आपको जौनपुर का, तो रोहित भाई उधर क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने खुले में बैठना काफी पहले ही छोड़ दिया था। बट व्हाट हैपेंड there is in Jaunpur, Maniyao, there was not, you know, personal toilet in everyone home, so we have to use to go in क्या बोलते हैं उसको, खेत को क्या बोलते हैं, खेत में जाके हम लोग को वो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता था, सो दैट वॉज वेरी अकॉर्ड टू मी, बट कभी कभी लाइफ में खुले में बैठना चाहिए गाइस। विद्या बालन ने बोला है अच्छा आज तक भी ट्राई करते पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो और इस्तेमाल पे भरोसा है पहले तो। बट नहीं सीरियसली अभी हम बड़े हो गए तो वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और अवॉइड भी करनी चाहिए, बट क्या करें वहाँ पे है ही नहीं तो मजबूरी में नो ऑप्शन तो जाना पड़ता था, तो वो तो सिचुएशन वाइज मुझे करना पड़ा, बट आई विल नॉट डू अगेन लाइक दिस। सो फाइनली हम वो प्लेस पे पहुंच चुके हैं जिधर पे हमको आना था, वो टॉप पे है उधर जिधर पे लोग है ऑलरेडी। अभी यहाँ पे बारिश होता ना सीरियसली, अगर अभी बारिश हुआ करता ना तो कितना मजा आता और इतना अच्छा वाइब होता ना सीरियसली, आप सोचते कि यार काश मैं भी आ पाती यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, काफी एकदम फील होता है अच्छा, काफी ज्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। यहाँ पे मेरे प्रीवियस काफी व्लॉग भी है और वीडियोज भी है, रील्स वीडियो तो आप लोग देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आरजीएस शैडो करके एंड ऑल्सो इन यूट्यूब ऑल्सो, यहाँ पे कभी भी दिखा दो जरा इनको और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पे वो बता दो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है इधर का। सो यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे बच्चे लोग और हमें तो आज आना है ऊपर टॉप पे, अभी आगे देखते हैं। यहाँ पर एक तालाब हुआ करता था बहुत टाइम पहले, पानी भर जाता था बारिश की वजह से यहाँ पे, बट यहाँ पर तो पानी नहीं है सो हम अभी ऊपर ही जाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ओके इधर रोहित भाई को दिखा है थोड़ा सा, इधर थोड़ा ही है बट है एक्चुअली भरा हुआ रहता है ये काफी पूरा, बट अभी कुछ दिनों से बारिश नहीं हुआ है सो इसीलिए वो सूख गए। आपको मस्त आ रहा है ये इसका स्क्रीनशॉट लोगे ना? पंकज वांट टू शूट सम फोटो टू नितिन का फोटो शूट करना चाहता है वो, सो लेट्स सी अभी का जो फोटो शूट होगा वो आपको ऑल्सो यू विल हैव टू सी इन माई व्लॉग एट इवनिंग, सो आप देख सकते हो द फोटोग्राफी इज स्टार्ट। आप देख सकते हो ऑल इज सेटअप
और ये पंकज अपने फोटोग्राफी स्किल को दिखाते हुए, एंड नितिन इज गिविंग हिज बेस्ट पोज, सी ये देख सकते हो आप, और ये पंकज कुछ फोटोशूट करते हुए। सो आई लव टू डू ऑल दिस थिंग विथ माई बडीज, सो मैं वीकेंड में या फिर जब भी हॉलीडे रहेगा कुछ ऐसा, सो आई वुड लव टू कम हियर एंड मेकिंग रील्स वीडियो व्लॉग शूट फॉर माई यूट्यूब चैनल। यूट्यूब इज माई फ्यूचर प्लानिंग, नाउ आई एम डूइंग जॉब एंड मैनेजिंग आवर फैमिली, सो दिस इज वेरी टफ फॉर मी एंड बट आई विल मैं फिर भी इसको कर रहा हूँ। ओ नाइस वन, सो ये है कुछ पोजेस और कुछ फोटो भी आपको देखने मिलेगा। ये है बेस्ट बैक एंड द बेस्ट एज ऑल्सो, यस। सो ये है कुछ पोजेस एंड कुछ फोटोग्राफी विद दिस ब्यूटिफुल नेचर। हाँ, मैं बार बार आपको ये नेचर दिखा रहा हूँ क्योंकि आई पर्सनली कनेक्ट विथ माई नेचर एंड आई डोंट नो वॉट अबाउट योर, सो इफ़ यू ऑल्सो नेचर लवर, सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट ऑन माई व्लॉग सो दैट आई विल नो दैट यू ऑल्सो गाइज इन्जॉय योर नेचर। प्लीज़ अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइज डू सपोर्ट मी, और मैं आगे जाके अपने चैनल को एक बड़ा चैनल बनते हुए देखना चाहते हो विथ यू गाइज, यू विल माई फैमिली, इट्स लाइक अ फैमिली ओनली, सो मैं आपके भरोसे ये चीज़ें जो भी मेरा टैलेंट है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इन माई बेस्ट वे, सो आई वॉन्टेड टू यू गाइज सपोर्ट मी, सो येस थैंक यू एंड सम ऑफ देम यू गाइज ऑलरेडी सपोर्टिंग मी फ्रॉम माई स्टार्ट, सो थैंक यू सो मच एंड आई हैव कम्प्लीटेड 2200 सब्सक्राइबर इन माई यूट्यूब चैनल, सो थैंक्स टू मी एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो। अभी हम करने वाले 200 पुशअप्स, कितने भी हम लोग अटेम्प्ट ले सकते पर हमको कम्प्लीट करना है 200 पुशअप्स, सो लेट्स सी, स्टार्ट विथ मी, फिर उसके बाद नितिन करेगा वन बाय वन, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। बट जिसने भी कम अटेम्प्ट में कर लिया वो जीत जाएगा। यस लेट्स गो, यप सकते हैं। अभी रोहित भाई दे रहे हैं नितिन भाई को चैलेंज और नितिन भाई वेट कर रहे हैं अपनी बारी की। तो नितिन भाई कितना कर सकते हो आप एक अटेम्प्ट में? 70-80 मारूंगा। 70-80 का टारगेट दे रहे हैं और रोहित भाई कितना हो गया रोहित भाई आपका? तो अभी रोहित भाई आपने कितना किया? बस हवा निकल गई। आई एम डन विथ माय 59.5, सो इट्स ऑलमोस्ट 59, 60 पकड़ के चलते हैं। नो एवरेज 60, इट्स 59। ओके नाउ लेट्स सी हाउ मच नितिन विल डू। 70 का टारगेट दिया उन्होंने। या यप यप कम ऑन, ट्राई किया है। यस क्योंकि मैं काफी दिनों से किया नहीं हूँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया,
सो मेरी कैपेसिटी थोड़ी डाउन हो गई और बॉडी देख सकते हैं आप, पंप हो चुका है बहुत। अभी नहीं मारे और अभी और करना है इनको, 200 मारने के बाद होगा। 200 मारेंगे अभी सभी, अपना 80 हो चुका है उनका और रोहित भाई का 60 हो चुका है। 40 मेरे को 140 और मारना है, 140 मारना है। ओनली यू हैव टू डू 60 मोर, कम ऑन लेट्स डू इट। और टू अटेम्प्ट बचे अभी रोहित भाई के। इन दिस अटेम्प्ट माई एम इज टू डू एटलीस्ट 25, उसके बाद देखते आगे। बारिश आने वाली है अभी, सो लेट्स डू विथ द 25। कम ऑन, वन मोर, 32, 34, 35, ओके तो 35। अगेन आई डू इट, आई कैन डिड, और सॉरी क्या बोल रहा, मेरी इंग्लिश भूल गई मैं। अरे कहना क्या चाहते हो? यो गाइस सॉरी इंग्लिश भूल गई मैं, मैंने 35 कंप्लीट किया है। 25 का टारगेट था। थैंक यू गॉड, थैंक यू अगेन। स्टिल मुझे 40, 50 आ रहे यार, और मेरे को 20 मारना है यार, 20 बाकी है और नितिन भाई के 10, तो पकड़ के टक्कर अच्छा दिया है इधर रोहित भाई ने। थैंक यू, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा, 10 का ही डिफरेंस है, ओनली 15 का डिफरेंस है गाइस, 15 और यहाँ पे भी ज्यादा डिफरेंट नहीं है गाइस, है ज्यादा है डिफरेंट है। अरे अरे मैच हो गया, वो अपने पावर नहीं दिखा रहे अभी, तो लेट्स सी कितना 20 मारूंगा। 4 सेट में मारा मेरा, 3 ही हुआ अभी, साले 5वां मैं बोला था एटलीस्ट 5 सेट, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैपेसिटी, तो एज पर माई कैपेसिटी आई ऑलरेडी टोल्ड बिफोर टू शूट दिस कि हम लोग को 5 या 6 अटेम्प्ट में कम्प्लीट करना है। सो दिस विल बी माई लास्ट वन एंड आई विल डू 20, बट गिव मी जस्ट 15-20 सेकेंड। सो अभी नितिन भाई करेंगे, 10 तो मार दूंगा, 10 तो मार ही देंगे, 10 से ज्यादा ही मार लो फिर अभी आज। यप, ट्राइसेप, दिस इज कॉल्ड ट्राइसेप ब्रो, ट्राइसेप्स। रोहित भाई के भी ट्राइसेप देख सकते हैं आप, है क्या? है थोड़े ही है, पर है वो तो, ये साइड ज्यादा है, ये साइड ज्यादा है दिख रहा है, बट हमें तो नहीं दिख रहा, ये साइड नहीं दिख रहा गाइस, ये साइड भी नहीं दिख रहा, अब नहीं दिख रहा है, ओके सब दिख रहा है पर वेंस नहीं दिख रहे। डू माय 20 पुशअप्स, साथ में मारो इस बार, लगता है साथ में करेंगे। मैं थोड़ा थक गया, नहीं ठीक है चलेगा, नितिन तो ओनली 10 बाकी है, सो नितिन ने अपना लास्ट का कंप्लीट करा, देखते हैं लास्ट सेट में वो कितना मारता है। 20 का बोले हैं अभी, यस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 40, nice one. So 40 मार लिए, 10 बोला था, he have done 30 extra more than 200, so 230 मार लिए, 230 completed, now it's my turn, my 20 is still remaining and let's see how much I can do extra one, so yeah here we go. Yep, yeah buddy, अब ऐसा लग रहा है 8 में खुश हो जाऊंगा, but let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20, 26, तो मैंने भी अपना
200 कंप्लीट हो चुके विद इन 5 अटेम्प्ट एंड ही इज डन विद इन 4 अटेम्प्ट. सो फर्स्ट फॉर वी हैव टू अपलोड नितिन बिस एंड फॉर माय आल्सो myself also. Thank you Shadow. Yes, thank you Pankaj. Thanks to क्या big thank you yes big thanks to Pankaj. अगर आपको फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग कुछ भी करने सो प्लीज प्लीज डीएम करो डायरेक्टली पंकज फोटोग्राफी. पंकज फोटोग्राफी आई विल मेंशन हिज आईडी इन माय डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो इन व्लॉग. सो लेट्स सी आई होप कि यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस वीडियो विथ मी एंड विथ माय फ्रेंड. यू कैन सी हियर आई लव दिस प्लेस गॉड. थैंक यू अगेन. थैंक यू गॉड. थैंक यू. Thank you.